ग्राम पंचायत दादर में राशन डीलर के खिलाफ समय पर राशन नहीं देने को लेकर ग्रामीणों का भारी आक्रोश। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत दादर के राशन डीलर के द्वारा ग्रामीणों को समय पर राशन नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर ग्रामीणों से बोलता है कि पहले वे उससे LIC करवाए, उसके बाद उन्हें राशन दिया जाएगा। राशन डीलर द्वारा ग्रामीणों को चकमा दिया जाता है और राशन देने के नाम पर आनाकानी की जाती है, जिसको लेकर ग्रामीण राशन डीलर से बहुत परेशान है, जिसकी शिकायत मंत्री टीकाराम जूली को भी दे दी गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्थानीय महिला सुशीला देवी ने बताया कि राशन डीलर संदीप अग्रवाल उनसे कहा जाता है कि कम से कम 5,000 रुपए की LIC करवाए, उसके बाद ही राशन दिया जाएगा। हाँ भाई, बताएंगे आपको राशन की क्या समस्या है। सर, हमको राशन नहीं देता है वो कंट्रोल वाला। क्या नाम है संदीप? मेरा नाम तो बीना है। दुकान कहाँ है वो? दादर में। क्या नाम है उसका? संदीप। आप कितनी बार गए थे राशन लेने? कई बार चले गए, अभी 1 तारीख से चक्कर लगा रहे हैं, जाते हैं बार बार, देता ही नहीं है। कभी कहता कल लाना, परसों आना, आज सुबह भी गए थे, सुबह भी मना कर दिया, अब कह रहा कल लाना 3 बजे। कारण क्या है, क्यों मना करता है? सर, वो उसके पास, पहली बात तो उसके पास खुद के पास स्कूल है, तो स्कूल में काम करता है वहाँ, और 3 बजे आकर राशन देता है। दूसरी बात ये, बच्चे जाते हैं तो इनसे कहता है भाई बीमा कराओ, जब दूंगा राशन। अब उसकी एक समस्या हो तो बताएं, 50 समस्या है। खास अपने निजी आदमियों को तो दे देता है, बाकी पब्लिक जनता जो डोलते हैं वो डोलते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है उनसे। आपने इसकी शिकायत सरपंच साहब को की? सरपंच साहब को क्या, जूली सर को भी की थी हमने, तो उस दिन भी बोला था, उन्होंने भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मंत्री जी को आपने शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने तारीख को जूली ने बोला था? कब बोला, कितने दिन? अभी 10 दिन, 8-10 दिन ही हुए हैं जूली सर को बोले हुए, तो मंत्री साहब को बोला तो 8-10 दिन पहले ही बोला था। लेकिन आपके क्षेत्र के मंत्री होते, मंत्री की नहीं मान रहा? अब ये तो भाई मंत्री ने कहा नहीं, MLA साहब ने, या फिर उनसे उसका माना नहीं, ये तो हमें नहीं पता, ये उनको पता है भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर हमने तो उनके पास अपनी शिकायत रखी और उनने कोई समाधान ही नहीं निकाला अभी तक। यदि आपकी ये शिकायत का कोई निवारण नहीं होता, आगे आप क्या कदम उठाएंगे, कोई रोड जाम करेंगे या कलेक्टर ज्ञापन? अब ये तो हमारी समस्या है, हम क्या करें, रोड जाम करेंगे, तोड़ फोड़ मचाए कि कलेक्टर ऑफिस पहुंचे कि कहां जाए, वो हमारी प्रॉब्लम है फिर आगे। पर जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदारी जूली सर होगा और कंट्रोल वाला होगा भाई। क्या समस्या आपको राशन? हम नाज ले बजाता है, जब 3 बजे जाए जब तक शाम को आना, शाम को जाएंगे जब कल आना, और फिर अभी मुझको टाइम नहीं है, और किट भी नहीं दी हमको, तो उन्होंने भाई अब नहीं, कल ओज ले, 1 तारीख को देंगे, 1 तारीख को जाए, अभी तक उन्होंने खोली नहीं दुकान, शाम को आए, शाम को भी अब कल आना, आज नहीं नहीं मिलेगा नाज, बस फिर ओजू कहेगा ओजू आना, ओजू बाहर ले जाना। उसका नाम संदीप है। आप? मेरा नाम निजरी है जी। सर बताएंगे क्या समस्या है? सर, राशन कार्ड है, संदीप देता नहीं है, और वे कहता है कि चाहे कोई सुबह शिकायत कर लो और चाहे जूली सु कर लो, कोटा का सामान देवे ही ना है। वे कहता है कि 5,000 रुपया LIC का दो, हमारे जीतू का कार्ड है, या अगर 10,000 LIC का मांग रहे जब आपको नाच चालू करेगा। और ये कहते हैं मेरा नाम तो रामजलाल है, बच्चा का नाम जीतू है। आप कब गए थे राशन लेने के लिए? अभी गए थे, अभी 7 दिन से चक्कर लगा रहा है। लेकिन 7 दिन से लगातार आपको नहीं दे रहा? ना दे रहा, और ये कह रहा है कहीं भी शिकायत कर लो, हम किसी को नहीं देने वाला। वे कहते 4 बजे आओ, 4 बजे आवा तो उनका रात को 8 बजे आओ। जी सर बताएंगे क्या समस्या आपको? समस्या हमारे ग्राम जो बुर्जा है, जो दादर के अंदर जो संदीप है, जो लक्ष्मी देवी के नाम से ये कोटा है, और जो ये इसके पास में हम जाते हैं, हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी परेशान हो गई है सर, उसकी वजह से हम इतने परेशान हो गए हैं कि वो पहली बात तो नाज ही नहीं देता है, अगर जो नाज भी देता है तो जिस वो LIC कराता है ना उसके पास में, उसको वो सबसे पहले नाज देता है, और हम जब चक्कर काट काट के इतने परेशान हो गए हैं कि पूछो मत, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि सरकार तो अच्छी है लेकिन उसके पास में पता नहीं इतना पावर हो गया है कि वो टीकाराम जूली की भी नहीं मानता है और ना किसी और की। वो जब जब उसके पास में जब जाते हैं तो बोलते हैं चले जाइए आप, किसी के पास में भी चले जाइए, हम किसी से डरने वाले नहीं है। नाम आपका? मेरा नाम भगवान सैनी है सर। मैं आपने कितने चक्कर काट दिए? सर अभी तक नहीं दिए हमारे पास में गेहूँ के चक्कर, कम से कम 7 दिन हो गए, तो उसके चक्कर में हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो चक्कर काट काट के आ गई है, और इतने परेशान हो गए कि क्या करें।